अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के शुरुआती दिनों से हर मामले पर जनता की राय लेते रहे हैं और हर राय शुमारी का नतीजा वही निकलता है जो अरविंद केजरीवाल पहले ही बता चुके होते हैं और नतीजा घोषित कर कहते हैं कि देखो इतने प्रतिशत लोगों की राय हमारे पक्ष में है, इतने इतने का नहीं, नहीं वाला औसत बेहद कम या फिर नहीं के बराबर ही होता है। शराब घोटाले में भी वही खेल मनीष सिसोदिया ने भी किया था। दिल्ली की नई आबकारी नीति को लेकर मनीष सिसोदिया ने जनता की राय मांगी थी, लेकिन जब सीबीआई ने जांच की तो पता चला कि वो पूरी राय शुमारी ही फर्जी थी। मनीष सिसोदिया ने खुद मेल तैयार करवाया और दूसरों के सहयोग से खुद को और सरकार के अधिकारियों को मेल करवाया और ये घोषित कर दिया गया कि देखो जनता भी हमारी नीति के समर्थन में है। लेकिन सीबीआई ने आम आदमी पार्टी की इस राय शुमारी के खेल का भांडा फोड़ कर रख दिया। सीबीआई ने कोर्ट को बताया कि पूछताछ के दौरान गवाहों ने स्पष्ट रूप से दिल्ली सरकार की आबकारी नीति में हेरफेर करने में मनीष सिसोदिया की भूमिका की पुष्टि की है। दिल्ली की आबकारी नीति से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई ने कथित घोटाले में मनीष सिसोदिया की बड़ी भूमिका के बारे में बताया। शराब घोटाला मामले की सुनवाई कर रहे जस्टिस डी के शर्मा के समक्ष सीबीआई ने आरोप लगाया कि आबकारी नीति को बनाने के लिए ली गई जनता की राय भी जाली थी। सीबीआई की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा कि इस नीति के बारे में विशेष समिति की रिपोर्ट को भी दरकिनार कर दिया गया था। कोर्ट को बताया गया कि आबकारी नीति को सार्वजनिक स्वीकृति दिखाने के लिए फर्जी ईमेल लगाकर जनता की राय को प्रभावित किया। सीबीआई ने कहा कि विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट को दरकिनार करने के लिए सिसोदिया के इशारे पर नकली सार्वजनिक स्वीकृति यानी जनता की राय तैयार की गई थी। सीबीआई ने एक अन्य गवाह राहुल सिंह के बयान का हवाला दिया। दिल्ली हाई कोर्ट ने सीबीआई के मामले में मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 16 मई तक बढ़ा दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।